हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑन यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं, आप देख सकते हो गाइस, अभी हमारी इंटरफेस में लेटेस्ट न्यूज के अंदर अपडेट आ गया है और वो आया भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड भर्ती 2022 के तहत पशुपालन निगम लिमिटेड में 747 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी है। गाइस, तो चलिए इस वैकेंसी के बारे में फटाफट से पूरी डिटेल्स के अंदर बात कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर वितरित किया गया, गाइस, भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड भर्ती 2022 के तहत 747 पदों के अंदर अलग अलग पोस्टों पर इन्होंने पद निकाले, जो कुछ इस प्रकार आप देख सकते हो। क्षेत्रीय प्रबंधक, दूसरा है जिला प्रबंधक, तीसरा है तहसील प्रबंधक और चौथा है कार्यकारी प्रबंधक। ई कॉमर्स के पदों पर इनकी भर्ती की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन की हम बात कर लेते हो गाइज, ऑनलाइन आवेदन के लिए गाइज हम बात कर लेते हैं तो 22 अप्रैल से इनकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जो कि 10 मई तक इनकी लास्ट डेट है। तो आपको ये फॉर्म 10 मई से पहले पहले फुलफिल अपलोड करना है। अब बात कर लेते हैं इसकी एज लिमिट की। तो गाइज, यहाँ पर एज लिमिट 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक दे रखा है। इसके अलावा कुछ अलग और पोस्ट है इसमें, जैसे कि मैंने आपको बताया 3 से 4 पदों पर यह वैकेंसी, 3 से 4 डिपार्टमेंट में अलग अलग पदों में ये वैकेंसी निकली। तो इनमें एज लिमिट की बात कर ली जाए गाइज, तो एज लिमिट 21 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक दे रखी है। अब बात करते हैं गाइज, एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाली है। तो गाइज मैं बता देता हूँ, इसकी जो एप्लीकेशन फीस है वो थोड़ी हाई रहने वाली है। मतलब इसकी जो एप्लीकेशन फीस है वो कुछ इस प्रकार है गाइज, मतलब इनके अंदर जो मैंने अलग अलग पोस्ट बताई, उन अलग अलग पोस्टों की अलग अलग एप्लीकेशन फीस दे रखी है। जैसे गाइज, फॉर एग्जाम्पल, 944 रुपये जिला प्रबंधक पद हेतु, 826 रुपये तहसील प्रबंधक पद हेतु और 708 रुपये कार्यकारी प्रबंधक पद हेतु। और ई कॉमर्स पद के लिए आपको 826 रुपये पे करना होगा ऑनलाइन ये फॉर्म सबमिट करने के लिए। अब बात कर लेते हैं गाइस, जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो होती है एजुकेशन और क्वालिफिकेशन। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर 4 वैकेंसी, क्षेत्रीय प्रबंधक, जिला प्रबंधक, तहसील प्रबंधक और लास्ट है कार्यकारी या ई कॉमर्स प्रबंधक। ठीक है, तो इन सब में योग्यता भी इन्होंने अलग अलग दे रखी है। तो चलिए इसकी और डिटेल्स के अंदर बात करते हैं। भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय में किसी भी विषय में स्नातक होना जरूरी है। ठीक है, मतलब गाइस आपके पास ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। लेकिन अगर इसके अलावा आपके पास कोई मार्केट अनुभव है इस जॉब के रिगार्डिंग, इस एरिया में आप पहले कोई प्राइवेट काम कर रहे, तो आपको सबसे पहले इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, सेकंड पोस्ट जिला प्रबंधक, इसमें भी गाइस दे रखा है, भारत में किसी मान्यता बोर्ड या संस्था से किसी भी विषय में बारहवीं कक्षा होनी, यानी आपका इसके अंदर 12th क्लास क्लियर होना चाहिए सेकेंड पोस्ट के लिए। ठीक है, और इसके अंदर भी वही शर्त रखी गई है गाइस कि अगर आप जिला प्रबंधक रिलेटेड से कोई प्राइवेट वर्क कर रहे हो किसी भी फील्ड में, तो आपको पहली प्राथमिकता दी जाएगी इसके रिगार्डिंग। ठीक है, अब तीसरी पोस्ट के बारे में गाइस बात करते हैं, तहसील प्रबंधक। तो इसमें दे रखा है आपके पास सिर्फ 10th क्लास होनी चाहिए, भारत के किसी भी राज्य से आप 10th क्लास उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है गाइस, और जो चौथी पोस्ट है गाइस कार्यकारी प्रबंधक ई कॉमर्स के अंतर्गत, इन्होंने दे रखा भारत विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय में किसी भी विषय में स्नातक, यानी इसके अंदर भी आपके पास ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। इसके अलावा इसमें जो गाइस एक जो स्पेशल इन्होंने जो शर्त रखी है वो है कि आपके पास कम से कम 2 से 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए ई कॉमर्स डिपार्टमेंट में काम करते हुए, प्राइवेट या रेगुलर किसी भी डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग। तो ये चारों के बारे में मैंने आपको डिटेल बता दी गाइस। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेसिंग के बारे में भी मैं आपको कुछ बता देता हूँ गाइस, इसके अंदर एग्जाम होगा। ठीक है, एग्जाम होने के बाद में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, उसके बाद में जो फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बाद में कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा गाइस। तो ठीक है, इसके अंदर दे रखा है इसमें 50 नंबर की लिखित परीक्षा होगी गाइस और 50 नंबर का साक्षात्कार होगा। ठीक है, यानी आपका वाइवा होगा। ठीक है, अभ्यर्थी को परीक्षा और साक्षात्कार दोनों के लिए अलग अलग न्यूनतम 36% अंक लाना आवश्यक है। ठीक है, अभ्यर्थी सिलेक्शन प्रोसेस और सिलेबस की विस्तृत जानकारी नोटिफिकेशन, जो कि मैंने नीचे लिंक दे रखी है, आप उस लिंक पर क्लिक करके इनकी पूरी नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं गाइस। ठीक है, तो इनका पेपर बहुत छोटा आने वाला है। तो गाइस, जो भी इस क्राइटेरिया को जो भी कैंडिडेट फिल करते हैं वो ये फॉर्म जरूर भरे। अब बात कर लेते हैं गाइस इनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। तो आप देख सकते हो, ये इनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, थोड़ा हम इस पेज को जूम कर देते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा है भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड। ठीक है गाइस, तो जैसा कि मैंने बताया, और इसके अंदर गाइस जो इनका वेतन है वो भी काफी अच्छा है चारों पोस्टों के लिए। देखिए, आप देख सकते हो अलग अलग है, 35,000, 25,000, 20,000 और 15,000 जो इनका ये मासिक वेतन रहने वाला है गाइस। इसके अलावा मैंने सेक्शन है योग्यता जो आपको बताई, सारी सब कुछ सेव ऐसे दे रखा है पीडीएफ के अंदर। वैसे मैंने इस पीडीएफ की लिंक नीचे दे रखी गाइस, आप पूरा इसको पहले अच्छे से एक बार रीड कर लीजिए और उसके बाद में आप इसके अंदर फॉर्म जरूर भर सकते हो। इसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट बात गाइस मैं आपको वो बता देता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हो ये इनका ऑनलाइन परीक्षा का सिलेबस है गाइस। तो आप देख सकते हो लिखित परीक्षा 50 अंक की होगी। ठीक है, 50 नंबर का साक्षात्कार परीक्षा टोटल 100 अंक की होगी, यानी चारों पेपर की जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे सबके लिए सेम अंक है और सेम ही क्वेश्चनों की इसके अंदर संख्या आने वाली है गाइस।
अब देखिए गाइस यहाँ पर क्या लिखा हुआ, परीक्षा का स्थान, ठीक है। इसमें मतलब गाइस वाकई में इन्होंने बहुत कमाल का तरीका इसके अंदर एग्जाम के लिए निकाला। मतलब ना तो आपका कोई एडमिट कार्ड देगा, ना आपको कोई एग्जाम सेंटर देगा, ठीक है। ये आपको एक मैसेज करेंगे, ठीक है गाइस। ये मैसेज आपके फोन या ईमेल पर आएगा, उस दिन आपको ये एग्जाम देना। किसी भी, आप चाहो तो घर पर भी बैठ के ये एग्जाम दे सकते हो। देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा, आप किसी भी कंप्यूटर से, साइबर कैफे, लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल के माध्यम से किसी भी जगह पर बैठ के ये एग्जाम आप खुद दे सकते हो, ठीक है गाइस। बस इसके सिलेबस के बारे में आपको पूरी जानकारी लेनी है जो मैंने अभी आपको बताया है। तो गाइस आप जैसे ऑनलाइन अप्लाई लिंक पर क्लिक करोगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है गाइस। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वैकेंसी ये पीडीएफ के अंदर भी अवेलेबल है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर अपना कौन सी टाइप की आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है, जैसे ठीक है, यहाँ से जो पोस्ट है वो आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपकी फीस ऑटोमेटिक मेंशन हो जाएगी, ठीक है। आपकी क्वालिफिकेशन भी ऑटोमेटिक मेंशन हो जाएगी। यहाँ पर नाम, मोबाइल नंबर, आपका फादर नेम, फादर के मोबाइल नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, ग्राम पंचायत कौन सी लगती है, आपका पिन कोड कौन सी लगती है, ठीक है। आपका फोटो और आपके सिग्नेचर, ये सब कुछ होने के बाद में गाइस आपको आई एग्री और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। आप जैसे क्लिक करोगे एक नए इंटरफेस पेज के ऊपर आ जाएगा, और आपको उसके आगे जो भी इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं वो इंफॉर्मेशन भरी है। और इस जॉब या इस वीडियो के रिलेटेड आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई दूंगा। एंड गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलते हैं गाइस किसी नए वीडियो में किसी नई वैकेंसी के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गाइस जय हिंद, जय भारत। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस, और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ लेटेस्ट ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन।